नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ। बात 13 अक्टूबर 2024 की है। रात कोई 12:30 बजे थाना परतापुर पर काशी गांव की रहने वाली एक 28 वर्षीय महिला नजराना भागती हुई थाने में दाखिल हुई। उसके शरीर पर तमाम खून बह रहा था और कोशिश करने के बाद भी वो बोल नहीं पा रही थी। पुलिस वालों ने ध्यान दिया तो उसके गर्दन पर चाकू के निशान थे और संभवतः वोकल कॉर्ड कट जाने की वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। पुलिस ने फौरन उसको अस्पताल ले गई। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर वो बेहोश हो गई और करीब 2-2.5 घंटे बाद ही उसे होश आ पाया। पुलिस ने उसका नाम, उसका घर, उसका गांव पता करने की कोशिश की। धीरे धीरे इशारों में उसने काशी गांव अपना गांव बताया। पुलिस काशी गांव भेजी गई। उसने अपना मायका नरहेड़ा गांव बताया, जो लोहिया नगर थाने में था। पुलिस नरहेड़ा भी पहुंच गई। नरहेड़ा में घायल लड़की के पिता हमीद मिले। उनको बताया गया कि आपकी लड़की बहुत बुरी तरह से घायल है, अस्पताल में भर्ती है, आप चलिए और उसकी बात को समझने की कोशिश करिए क्या बात हुई है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही है। पिता गए, सारा परिवार गया, वहां उसकी हालत देखी, पूछने की कोशिश की, बोल पा नहीं रही थी। बहरहाल इशारों में उसने जो चीज बताई उससे ये समझ में आया कि काशी गांव में मुझे ये चाकू मारा गया और मेरे 3 साल के बेटे को जमीन पर पटक कर उसकी जान ले ली गई। बात गंभीर थी। थाने से पूरा दल बल और लड़की के पिता, ये सारे लोग काशी गांव पहुंचे। काशी गांव आसपास बहुत कोशिश की उन्होंने ढूंढने की, लेकिन बच्चे के बारे में कोई पता उनको नहीं मिला। ये जरूर पता लग गया कि कुछ यहां हुआ जरूर था, क्योंकि रात में यहीं से होकर नजराना भागी थी, जिसके कपड़ों में बहुत ढेर सारा खून लगा हुआ था। पुलिस ने थोड़ी मेहनत करके ये पता करने की कोशिश की तो ये पता लगा कि सालिम नाम का एक युवक, जो काशी गांव में महिला की ससुराल के ठीक सामने वाले घर में रहता था, संभवतः उससे कोई बात हुई होगी। पुलिस ने भोर होते होते उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछा गया कि इसका बच्चा कहां गया जो 3 साल का था। उसने बताया, बल्कि उसने कहा खेतों के पास चलिए, खेतों के भीतर गए, एक जगह गड्ढा ताजा खुदा हुआ था, गड्ढे को खोद के मिट्टी निकाली गई तो उसमें 3 साल का वो बच्चा दफन था। पुलिस उसे भी भागकर अस्पताल ले गई कि शायद कुछ जान बची हो, लेकिन बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने तब सालिम नाम के इस व्यक्ति से पूछताछ शुरू की तो ये पता लगा कि इस महिला यानी नजराना की, जिसकी उम्र 28 साल है, 10 साल पहले काशी गांव के रहने वाले निजाम से हुई थी। शादी के बाद वो काशी गांव आ गई और निजाम के घर में रहने लगी। निजाम पंजाब में कपड़े का काम करता था और साल में 2-4 बार वो घर में बच्चों की
से मिलने के लिए, उनकी और जरूरतें पूरी करने के लिए गांव यानी काशी गांव आया करता था। ज़्यादातर टाइम वो पंजाब में ही अपने कपड़े के व्यवसाय के सिलसिले में रहा करता था। नजराना अकेली अपने दो बच्चों के साथ यहाँ रहती थी और धीरे धीरे सामने रहने वाले सालिम से उसकी जान पहचान बढ़ती गई। जान पहचान बढ़ती गई और इस कदर बढ़ गई कि बहुत नज़दीक आ गए दोनों। इस बात की झिकझिक होती रही। नाजिम ये कहता रहा तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। नजराना मना करती रही कि नहीं अब सवाल नहीं है, मेरे दो बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़ा लड़का 5 साल का है, दो छोटा 3 साल का है, अब ये संभव नहीं है। बात खिंचते खिंचते करीब 2 साल 2.5 साल हो गई लेकिन इसका कोई बात का कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसी बीच नजराना 4-5 दिन पहले अपने मायके पहुंच गई नरहेड़ा में। फोन उसके पास था, फोन से बातचीत होती रही। शाम को उसने अपने पिता हमीद को बताया कि बच्चों का कपड़ा घर में रह गया है, मतलब काशी गांव वाले घर में अपने ससुराल में बच्चों के कुछ कपड़े रह गए हैं, तो मैं काशी गांव जाती हूँ, कपड़े बच्चों के ले आती हूँ। हल्का फुल्का ठंडक, हल्की फुल्की ठंडक शुरू हो गई है, अक्टूबर का महीना है, लिहाजा कुछ कपड़े मैं गर्म वहाँ से ले आऊँ। ये कह के अपने उस 2.5 साल के बच्चे को साथ लेकर वो काशी गांव गई। पर बात ये हुई थी कि दोपहर बाद से ही सालिम उसे बुला रहा था कि भाई आज फाइनल कर दो, तुम्हें क्या करना है, आज जो कुछ भी है आज इस मामले का पटाक्षेप हो जाए, 2-2.5 साल से मैं परेशान हूँ और तुम हर बार एक ही बात करती हो कि अब संभव नहीं है, बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, तो अगर करना है तो बताओ, हम नहीं करना है तो बताओ, हम दूसरा रास्ता अपना लें। तो इस बात को फाइनल करने के लिए अपने पिता से कपड़ा लाने का बहाना बनाकर वो उससे पहुंच गई सालिम से मिलने के लिए। काफी देर तक उन लोगों में बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात होती रही। उसके बाद फिर वही बात आई और कि निकाह करो। फिर रुखसाना ने, नजराना ने मना किया कि नहीं देखो इसके बारे में तो बात ही मत करो, इस तरह की कोई बात अब पॉसिबल नहीं है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। सालिम ने कहा तो कोई बात नहीं, इन दोनों बच्चों को हम रास्ते से हटा देंगे, अगर बच्चे ही इस रास्ते में रोड़ा हैं तो इन दोनों को हम रास्ते से हटा देंगे, तब तो तुम मना नहीं कर पाओगी। नजराना ने कहा कि नहीं अब ये भी संभव नहीं है, मेरे जीते जी मेरे बच्चों को कैसे तुम रास्ते से हटा दोगे। ये सुनना था कि सालिम ने उसके गोद से 3.5 साल का वो बच्चा छीन लिया, 2.5 साल का वो बच्चा छीन लिया, उसी के सामने दोनों पैर पकड़कर सिर के बल उसे जमीन पर पटक दिया। जब नजराना ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर वार कर दिया, खासकर तब जब उस चिल्लाने की कोशिश कर रही थी कि लोग आ जाएं और पता लग जाए कि मेरे बच्चे को इसने मार दिया है। गर्दन में ऐसा घाव किया कि बहुत कोशिश करने के बाद भी नजराना न चिल्ला सकी न बोल सकी, और उससे कहा कि तुम यहीं पर रहना, अगर तुम यहां से गई तो अब तुम्हें जान से मार देंगे। बच्चे को कंधे पे लाद के वो आगे गया, वहां कोई लड़का और उसके जानने वाला मिल गया, दोनों ने मिलके खेत के भीतर एक गड्ढा खोद दिया, गड्ढे में उस बच्चे को डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर बच्चे को दफन कर दिया। इस बीच में दर्द से कराहती नजराना, उसे मौका मिला और वहां से उठकर भाग गई और वो सीधे अस्पताल पहुंची, थाने पहुंची, थाना प्रतापपुर। प्रतापपुर वालों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया क्योंकि प्रतापपुर वाले न उसकी भाषा या उसकी बोली जो इशारा कर रही थी समझ पा रहे थे, न ये लोकेट कर पा रहे थे कि ये महिला कहाँ की है और उसके साथ कौन सी दुर्घटना हुई है। अस्पताल पहुंचाया लेकिन इस बीच में वो बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश करके 2-2.5 घंटे बाद उसे होश में लाने का काम किया।
होश में आने के बाद उसने इशारों इशारों में जो कुछ बताया, पुलिस वहां भेजी गई और सवेरा होते होते 3-4 बजते बजते सालिम गिरफ्तार हो गया। तब ये पूरी बात पता लगी। दूसरा लड़का जो उसके साथ में था, जिसने शव को दफनाने में उसकी मदद की थी, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस ने सालिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। महिला की हालत खतरे से बाहर जरूर है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम इसके वोकल कॉर्ड का इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं कही जा सकती कि इलाज के बाद या डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी ये बोल पाएगी या नहीं बोल पाएगी। पुलिस ने बहरहाल सालिम को जेल भेज दिया। आज की घटना, शादीशुदा महिला से प्रेम संबंध की या प्रेम संबंधों की इस घटना का बड़ा दुखदाई अंत हुआ है। शादीशुदा महिला, 2 बच्चे, 5 साल के और 2.5-3 साल का, पति पंजाब में काम करता है, इन्हीं बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए, पढ़ाई और तमाम और जरूरतें परिवार की होती हैं उसे पूरी करने के लिए, इसलिए 2 बच्चों के साथ मां को घर में अकेले रहना पड़ता है। ठीक सामने रहने वाले इस पड़ोसी की बुरी नजर उस पर पड़ गई। आना जाना शुरू हुआ, धीरे धीरे नजदीकियां हुई और फिर संबंध, दोनों के संबंध हो गए। आने जाने के कारण और संबंधों के कारण आसपास जब हल्ला गुल्ला हुआ तो, और जब इसका नजराना का पति वापस आया, लोगों ने उसको बताया, तो दोनों में मारपीट भी हुई, सालिम और नजराना के पति में। एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा भी कायम किया, लेकिन कितने दिन तक रुकता वो, फिर वो पंजाब चला गया, फिर ये दोनों एक हो गए। धीरे धीरे जब समय तेजी से निकलने लगा, 2-2.5 साल का समय हो गया, तो सालिम ने इस बात पर दबाव देना शुरू किया कि आखिरकार मैं यहीं रहता हूं, तुम्हारे लिए सब इंतजाम करके रखूंगा, पति तुम्हारा साल में 2-3 बार ही आ पाता है पंजाब से, क्यों ना हमसे निकाह कर लो, हम दोनों लोग यहीं पर रहें। लेकिन लड़की यानी रुखसाना इस बात को मना करती रही और ज्यादा परेशान होकर वो अपने मायके चली गई। बार बार दबाव देने के कारण वो मायके चली गई। मायके में उसे फोन किया गया और उससे सालिम ने कहा कि अब जो कुछ भी करना है आज उसको डिसाइड कर दो, आज शाम को आओ, बैठ के बात कर लो, जो तुम्हें कहना है, जो मुझे कहना है, हम लोग अपनी बात कह लेते हैं, लेकिन आज इसको डिसाइड करना ही होगा। वो अपने बच्चे के साथ अपने पिता से एक बहाना बनाकर वहां आ गई, बातचीत शुरू हुई, लंबी बातचीत हुई और फिर बात इस पर आकर अटकी जो हमेशा अटकती थी कि भाई मैं बाल बच्चे वाली हो गई हूँ, अब ये संभव नहीं है, मेरा बड़ा बेटा अब धीरे धीरे 5 साल का होगा, छोटे बेटे को गोद में लिए हुए थी। इतनी देर में उसने कहा कि ठीक है, अगर ये बच्चे ही परेशानी का सबब हैं या इन्हीं की वजह से तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती हो तो मैं दोनों बच्चों को मार दूंगा। ये सुनते ही वो आग बबूला हो गई। उसने कहा ऐसे कैसे मार दोगे, मेरे बच्चे हैं, मैंने जना है, मैंने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम कैसे मार दोगे। और तभी उसकी गोद से उसके बच्चे को छीन के और जमीन पर पटक दिया और उसके साथ, और जैसे ही उसने विरोध किया उसके गर्दन में चाकू मार दी, वो बोलने काबिल भी नहीं रह गई और उसी के सामने उसके बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। चाकू से उसे डराया कि यहीं पर रहना और उस बच्चे की लाश को ले गए और खेत में दफन भी कर दिया। थोड़ी देर में थोड़ी हिम्मत आई, दर्द से परेशान थी वो, भाग के वहां से हॉस्पिटल गई, थाने गई, थाने वालों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया और हॉस्पिटल में वो पहुंचते ही जब इलाज शुरू हुआ तो बेहोश हो गई। होश में आने के बाद उसके घर का पता किसी तरह से निकल पाया तो फिर पुलिस वहां गई और तब पता लगा कि इसका नाम नजराना है।
पुलिस वालों ने इनके घर वालों को ढूंढ के निकाला, उन्हें बताया कि इस तरह से उसको चोट लग गई है और ऐसा हो गया है, और तभी पूरी बात पता लगी। उसको मारने के बाद उसने कहा कि मैं जल्दी ही दूसरे बेटे को भी मार दूंगा, तब तुम निकाह के लिए नहीं मना कर पाओगी। वहाँ के जो एसपी सिटी हैं मेरठ के, आयुष विक्रम सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले की पड़ताल की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना की पूरी जानकारी भी दे दी। सालिम के इस बर्ताव को प्यार या मोहब्बत या जो भी शब्द हैं उसे इन शब्दों से नवाजा नहीं जा सकता जो बर्ताव था सालिम का, क्योंकि ये तो शुद्ध हिंसा है और प्यार में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है। हिंसा के रास्ते कोई इतिहास में तमाम मारकाट हुई है इन्हीं महिलाओं के चक्कर में, लेकिन वो महिलाओं के चक्कर में हुई है, प्यार में नहीं हुई। तो प्यार को हासिल करने का ये जो रास्ता है ये ठीक नहीं है। हिंसा के रास्ते से प्यार को हासिल करना या प्यार को अपना बनाना या प्यार के बारे में लोगों को बताना या जग जाहिर करना, ये असल में ये प्यार है ही नहीं है, और ये इसे प्यार कहना भी अपमान है प्यार का। जिस तरह से उसने उसके बच्चे को खींच कर मार दिया, दूसरे बच्चे को मारने की बात की और कहा कि प्यार करता हूँ तो मैं शादी करनी ही होगी, इसलिए कभी भी अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए हिंसा के रास्ते पर चलना पाप है, गुनाह है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।